दोस्तों देखिए, एक न्यू YouTube क्रिएटर्स के लिए ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको 50 वीडियो अपलोड करना है। 50 वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके जो चैनल है आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों, आप 100% मोनेटाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके चैनल आप 50 वीडियो अपलोड करके मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज पहले से एंड तक देखना है। दोस्तों कैसे ये पॉसिबल होता है दोस्तों, 100% ये आपके लिए पॉसिबल होता है कि ओनली 50 वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके जो चैनल है आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों 4000 घंटा वॉच टाइम आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये 50 वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको 3 स्टेप होता है। फर्स्ट जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको 20 वीडियो अपलोड करना है। सेकेंड जो स्टेप होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से 20 वीडियो अपलोड करना है। और थर्ड जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर आपको 10 वीडियो अपलोड करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल 50 वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों 50 वीडियो अपलोड करने के बाद आपके जो चैनल है आप 100% मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका मन में एक सवाल आता है कि भाई आप एक न्यू क्रिएटर्स है। दोस्तों मैं बिल्कुल न्यू क्रिएटर्स नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा और एक चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की मेरा 3 साल की एक्सपीरियंस है और जो मेरा पास एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करना मैं चाहता हूँ। सो दोस्तों कैसे 50 वीडियो अपलोड करना है और क्या क्या वीडियो अपलोड करना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, प्लीज इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है। उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 50 वीडियो अपलोड करने के बाद आपके जो चैनल है आप कैसे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों चलिए फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट जो 20 वीडियो अपलोड करना है, ये वही वीडियो अपलोड करना है जो वीडियो यूट्यूब पर सर्चेबल होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए परमानेंटली कुछ वीडियो यूट्यूब पर सर्चेबल होता है, जैसे कि दोस्तों हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, ये जो टैग है, ये टैग की जो वीडियो होता है ये हमेशा सर्चेबल वीडियो होता है। तो दोस्तों इसी तरह आप सर्चेबल वीडियो 20 अपलोड करना है। 20 वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि दोस्तों देखिए जो वीडियो आपने 20 वीडियो अपलोड किया है सर्चेबल वीडियो, तो वही वीडियो दोस्तों सर्च में चले जाते हैं और यही से दोस्तों लोग सर्च करके आपके वीडियो जो है देखता है। और इसलिए दोस्तों जब वीडियो लोगों के सामने चले जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके जो वीडियो है वीडियो वॉच करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों लोग क्या करते हैं कि आपके जो चैनल है चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो से आपका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होता है। सो दोस्तों देखिए सेकंड जो स्टेप है, जैसे कि दोस्तों देखिए जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो होता है, तो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप 20 वीडियो अपलोड करना होता है। दोस्तों देखिए जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो ये होता है कि दोस्तों देखिए यूट्यूब पर वायरल जो वीडियो होता है, वायरल वीडियो आपको मतलब कूज के अप डाउन के 20 वीडियो अपलोड करना होता है। दोस्तों देखिए कभी कभी देखिए रानू मंडल, कभी कभी देखिए मतलब काचा बादाम, इस तरह दोस्तों जो वीडियो वायरल होता है तो इसी टॉपिक के हिसाब से दोस्तों आपकी जो नीच होता है, आपके चैनल की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों 20 वीडियो मोस्ट पॉपुलर अपलोड करना होता है। देखिए ये मोस्ट पॉपुलर वीडियो अपलोड करने से क्या होता है दोस्तों, देखिए मोस्ट पॉपुलर वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों देखिए एक वीडियो वायरल जब होता है ना, तो सारे इंडिया के अंदर लोग जानते हैं कि ये वीडियो वायरल हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड किया है तो जरूर आपके जो वीडियो है ऑडियंस वॉच करता है, यानी कि दोस्तों उस टाइम देखिए ऑडियंस के माइंड में एक ही चिंता होता है कि जो वीडियो वायरल हुआ है इस वीडियो के नाम से लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं। और अगर आपने उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है या 20 वीडियो अपलोड करना है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपने एक वीडियो अपलोड किया है तो उस वीडियो को लोगों के सामने चले जाते हैं, अगर आप मस्ट पॉपुलर जो वीडियो अपलोड करते हैं उसी वीडियो लोगों के सामने चले जाते हैं और लोग आपके जो वीडियो है वीडियो वॉच करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको फ़ायदा यह होता है कि आपके जो चैनल है चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं लोग, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो 4000 वॉच टाइम है वो भी साथ ही साथ कंप्लीट होता है। और थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको 10 वीडियो अपलोड करना है। और दोस्तों 10 वही वीडियो अपलोड करना है जो वीडियो दोस्तों ट्रेंडिंग में है। तो दोस्तों ट्रेंडिंग में वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि दोस्तों देखिए ट्रेंडिंग के जो वीडियो होता है सबसे ऊपर होता है, और सबसे ऊपर की जो वीडियो अगर आपने अपलोड करते हैं तो लोगों के पास सबसे पहले चला जाते हैं वीडियो। तो इसलिए दोस्तों जो ट्रेंडिंग वीडियो है, ट्रेंडिंग वीडियो आपको ज़्यादा नहीं है 10 वीडियो अपलोड करना है। और कैसे दोस्तों ये ट्रेंडिंग वीडियो आप ढूंढ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी मतलब वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ट्रेंडिंग में जो वीडियो चलता है ना वो सबसे ऊपर ही चलता है। और दोस्तों ये तीनों चीज़ आप फुलफिल करने के लिए दोस्तों आपको कुछ मेहनत करना होता है। जैसे कि दोस्तों यूट्यूब पर आपको सर्च करके देखना है कि किस वीडियो मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसी के हिसाब से दोस्तों
आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो नेश है, नेश के ऊपर वीडियो अपलोड करना होता है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों मैं इसी चैनल के ऊपर जेन्युइन कंटेंट अपलोड करता हूँ। और दोस्तों, मैं धोखा देने के लिए आपको नहीं आया हूँ, मैं खास करके आप लोग को सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर देना है। और इस वीडियो की क्या राय है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए प्लीज। तो दोस्तों, चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।